अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबकी? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। चलें जी, अभी करते हैं व्लॉग का आगाज़। हम लोग सुबह सुबह हमने ट्यूबवेल चलाया था, वो असल में आनी थी ईंटें हमारी, तो भाई की फिर शाम टाइम कॉल आई है कि अभी हमने नहीं आना। तो वो पहले वो बात क्लियर कर देते, ट्यूबवेल चलाया था सड़क में पानी क्योंकि लेके जाते हैं, तो पानी अगर छोड़ दिया जाए ना तो ये होता है कि ईंटें जो होती हैं वो बआसानी आ जाती हैं, रेत जो होती है वो जम जाती है, और ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं ना ट्राली, वो बआसानी जो है ना वो घर तक पहुँच जाती है। तो इस वजह से हमारा ये प्रोग्राम था कि सड़क में जो है ना पानी छोड़ दिया जाए। तो वो फिर भाई की कॉल आई शाम टाइम के भाई आज नहीं मैं आ सकूँगा, 3-4 दिन अभी वेट कर लें, क्योंकि ईंटें जो हैं वो भट्ठे से जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं, दोबारा नहीं बन रही हैं, तो ईंटें आएंगी। क्योंकि अभी जो पालश ईंट हम मंगवा रहे हैं ना, बारश ईंट भी जिसे कहते हैं, और पालश ईंट भी बोलते हैं, मशीनी ईंट भी बोलते हैं जिसे, तो वो वाली जो है ना वो अभी कुछ दिनों तक तैयार हो जाएगी और फिर लगातार जो है ना हम आपको पहुँचा देंगे। मैंने कहा चले ठीक है, कोई इशू नहीं। तो अभी कोई मेरा ख्याल के मुताबिक 1 वीक लग जाएगा हमें, तब तक पहुँचेंगी ईंटें हमारी। और अभी फिर दोपहर हमने ना नहीं पानी छोड़ा सड़क में, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि मुझे थोड़ा आइडिया था, क्योंकि अगर आना होता उस भाई की पहले कॉल आ जाती है, सुबह सुबह ही कॉल आ जाती है कि आज मैंने आना है, तो उसकी कॉल नहीं आई थी, तो फिर हम लोगों ने पानी तो नहीं छोड़ा। बस बाकी अभी देखते हैं क्या बनता है, और अभी हो गई शाम और अपने व्लॉग का करते हैं आगाज़, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, और आपके साथ भी शेयर करेंगे सारी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ये वाली ईंट जो है ना इसे मशीनी ईंट भी बोलते हैं और पालश ईंट भी बोलते हैं। मैं तो अब सारी ये मंगवा रहा हूँ, पहले जो है ना वो दूसरी मंगवाई थी, उसे हाथ वाली में बोलते हैं, वो हाथ के साथ बनाई जाती है और ये मशीन के साथ बनाई जाती है, इसका ये फ़र्क होता है। ये मज़दूर लगा के ना हाथ के साथ ये बनवाई जाती है, उनके पास सच्चा होता है, उसमें ये मिट्टी डालते हैं, उसके बाद जो है ना ये ईंट तैयार होती है। और ये वाली जो होती है ये मशीन में ही बनाई जाती है, इसका गारा शारा सारा मिट्टी जो होती है चिकनी मिट्टी, और उसके बाद मशीन में ही ये बन जाती हैं। और ये वाली नहीं, ये थोड़ी ज़्यादा कीमत है और इनकी कीमत कम है, इसका मेरे ख्याल के मुताबिक फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि ये सेम वगैरह नहीं निकालेगी। ये वाली ईंटें जितनी भी लगी हुई हैं ना, ये तकरीबन 1 लाख के करीब ईंट लगी हुई है ये वाली इस घर में, ठीक है। चार दीवारी के अलावा अलावा जो है ना ये ईंट सारी लगी हुई घरों, ये मेरे कमरों में, ये हाल वगैरह सारा, ये जितना बन चुका है इसमें तकरीबन 1 लाख ईंट लग चुकी है। और ये सारी एक ग्रेट अव्वल की जो है ना अव्वल ईंट वो लगवाई हुई है मैंने, और ये भी अव्वल है, लेकिन इसका चार दीवारी में मिस्त्री भाई कह रहे थे भाई ये मंगवाएं कि ये कलर वगैरह जो सेम वगैरह होती है ना वो नहीं निकालती, आपका प्लास्टर बेहतर रहेगा, कलर ख़राब नहीं होगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा ये ईंट लाजमी ज़्यादा लगाएं, क्योंकि ये पानी को बहुत मुश्किल से जज़ब करती है, देर लगती है, क्योंकि ये ना देखें ये बिल्कुल मलाइम हुई हुई है, तो वो पकड़ करती है पानी को जल्दी, ये पकड़ नहीं करती, इस वजह से जो है ना ये बेहतर है मेरे ख्याल के मुताबिक। इस ईंट में थोड़ा मिस्त्री तंग होते हैं, प्लस्तर करना इसे थोड़ा मुश्किल है, और प्लस्तर हो जाए तो उसके बाद इसकी सफाई भी ज़्यादा है, चिनाई में भी इसकी सफाई ज़्यादा आती है। ये वाला जो था ना मेरा प्रोग्राम था, वहाँ से सीधा पानी उस तरफ थोड़ा छोड़ दिया जाए और कुछ जगह यहाँ से सेट कर दी जाए, ये आंधी से जो है ना ये रास्ता ख़राब हो गया है, तो मेरा प्रोग्राम था ये यहाँ से सेट कर दिया जाए सारा। ये परिंदों के काम है, जो चिड़ियाँ होती ना उनके ख़ास तौर पर ये काम है, यहाँ से ये देखें ये सूरजमुखी के बीज जो है ना निकाल के खाते रहे, यहाँ से भी यहाँ से भी ये सारा निकाल निकाल के खाते रहे। ये चीज़ चेक करें, ये लोबिया लगाया था, बस ये 2-4 हैं, ये एक बंदा भी कभी साला नहीं बनेगा, ये 2-4 ये फलियाँ लगी हुई हैं, 2-4 उसको हैं, 2-4 उसको हैं, तो ये एक बंदे का भी जो है ना ये एक टाइम का खाना नहीं बनता। लाला जी सौंफ तो दोबारा तैयार हो गई है, ये 5-6 दिनों तक वड्डी जा सकती है। अच्छा जी ये सौंफ जो है ना फटती रहेगी दोबारा, लाला जी फिर इन्हें मुकोना नहीं, रह नहीं देना अगले साल तक। ये सौंफ जो हम लोग चाय में डाल के पीते हैं ना, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, अगर आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया तो आप ना जिधर से आप लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं ना ये ग्रोसरी वगैरह किचन के लिए, तो उसके वहाँ से जाके पता कीजिएगा कि सौंफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लाजमी आप लोग चाय में डाल के पीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये बेलें शेलें लगाई हुई हैं, टिंडियों शिंडियों की कोई सब्ज़ी नहीं हुई जी इस दफ़ा, कोई ज़बरदस्त, बस ये सारी ऐसे ही है,
लाला जी इधर कोई दो चार फलियां है या लोबिया दियां, उधर तो कोई नहीं। आ करेले दियां भी, करेला भी कोई नहीं लगा। आ करेले भी सारे एवें ही हैं, बस बेलना ही पईयां वा, लगा कुछ भी नहीं। जियां भिंडियां लगियां वा, ये भी कोई एक बंदे दी खाण जोगियां भी नहीं बनियां। आ साडी सब्जी सी जी, सब्जी नहीं हुई साडी इस दफा। चीज चेक करें, लाइट चला दूं मैं भाई। मैं विश ने अपना सारा सामान वगैरह निकाल के जो है ना कुछ इधर रख दिया हुआ है मेरे रूम में बेड पे। तो मैं उनसे कह रहा था कि भाभी ये बेड पे ना रखें, रात टाइम जो है ना बंदा अगर लाइट बंद हो, बंदा आता है ये घिर के कुछ कोई ना कोई चीज़ टूट जाएगी। आप किसी टोकरे में डाल के जो है ना, जैसे ये रखे हुए हैं बर्तन, ऐसा रख दें नीचे ताकि टूटे ना। ये सारे भाभी जी ने बर्तन उठा के ना ये सारे नीचे से रख दिए हुए हैं। मैंने कहा ये भी किसी टोकरे वगैरह में डाल के रखें, ऐसे जो है ना ये सारे हो जाएगा। और ये चीज़ चेक करें, इस चीज़ से मैं भाभी से नाराज़ भी हो रहा था कि ये चीज़ जो है ना देख लें, ये साफ़ करके नहीं रखी हुई आपने। तो ये चीज़ जो है ना वहाँ से देखें, ये एक तो सोफ़े को काट भी सकता है, और दूसरी चीज़ ये मैंने कहा ये नीचे ये भी रखनी थी इधर। ये ऐसा शीशा ना मेरे पास था वो लगाने के लिए मैंने रखा हुआ, वो नीचे इधर पड़ा, वो पता नहीं किधर रख, बल्कि सॉरी वो इधर इस सेफ के पीछे रखा हुआ है मैंने। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इधर ये चेक करें, ये इधर पड़ा हुआ है। तो ये भी मैंने कहा था इधर रख लें, ये रात टाइम अगर बंदा कहीं आए या वैसे भी ये गिर के टूट जाएगा सारा। तो ये भी रखे हुए हैं, अभी इनके अंदर जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। और इसमें है जी खजूरें, खुल जावे जालमा ये खजूरें, ये भी इधर रखती हुई हैं भाई, कोई खजूर नहीं खाई मैंने। कुछ सामान इधर रख दिया हुआ है निकाल के, कुछ वहाँ कुछ यहाँ, और साथ वाले कमरे में, उसके साथ वाले कमरे में तीन और चार चार कमरों में सामान पड़ा है अभी। भाभी जी कह रही हैं कि मैंने साफ़ सफाइयाँ करनी और फर्नीचर न्यू आना है, तो उससे पहले जो है ना सारा सेट हो जाए, तो इस वजह से जो है ना ये सारा निकाल के रखा हुआ है। ब्लैक कलर मार देता मुझे बस, सही है। बारिश आ रही है, नहीं तो इन कान पै जानी सी। आ इत्थे भी तो उत्थे भी रहिंदा वा, ये सोफे ना असल जो सोफा कट हुंदा वा, विच खराब हुंदा होना। बाद च ना बुझिए, कल इत्थे मिट्टी सिट देनी है ये उत्ते, आ रंग जिहड़ा डुल्लन डिया नीचे। भाई महवेश ये साफ कर लिया उत्तों छत के? नहीं, मुझे लगता है भाभी महवेश नहीं है। यहाँ से भी और इधर से ये कलर इस वजह से ख़राब हुआ है, पीछे से प्लास्टर नहीं हुई, दीवार टीप हुई हुई है, तो इस वजह से वो सेम आती है तो यहाँ से कलर गिर जाता है फिर। अब मुझे सालन बनाने पाए वाजिबा ब्लैक चने, ओए होए मिजी ब्लैक चने बना रही हैं, थोड़ी देर तक ये रुक जाएंगे फिर निकाल निकलवा के खाएंगे जी। ये वाली रोटियां जो बच जाती हैं ना, हम लोग ये ज़ाया नहीं करते, ये डोगी हैं उनको डालते हैं, और उसके अलावा डोगियों को तो वैसे भी उनके लिए, जैसे हम लोग अपने लिए बनाते हैं उनके लिए भी बनाते हैं ना, तो जो बच जाती हैं ना वो हम लोग फिर ये ऐसे रख लेते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर ये हम लोग भिगो के ना जानवरों को डालते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त उनके लिए बन जाती है। अभी ये चेक करें, ये रोटियां जो है ना ये सारी बची हुई हैं। शहरों में तो लोग दे देते हैं ना वो पतीसे वाले को और दूसरे उन लोगों को, हम लोग जानवरों को डालते हैं। ये चौधरी साहब बाकी दूध निकाल रहे हैं, तो देखियो बकरी खिंच खिंच के पीछे ना पड़ना, कितने रस्से ना तोड़ दियो। आ आ आ तकरीबन 15-20 बच्चे हैं माशाल्लाह कुकड़ी। ओ कुकड़ी कंफ्यूज हो गई भी किधर जावा अभी मैं वैसे वो सामने बैठी सानू दिखा दिखा के खजूरा खा रही है। अंगूर यार, अंगूर अंगूर। हाँ जी,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਗਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮੌਸਮ, ਓਏ ਦੇਖੀ ਬਚਾਈ ਯਾਰ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਦੁੱਧ, ਗਾਂ ਕਰਾ ਗਿਆ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਪਕੜਦਾ ਨਾ ਸੈਮ, ਬੱਕਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਛਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਲੀਆਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਵੱਛਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਚੱਲ ਬਿਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਬਿਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ, ਚੱਲ ਢੰਗਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਆ ਫੜੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਐਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਮੱਝਾਂ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਰੇ ਝੋਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਲੱਗਣ ਡਈ, ਖੁੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਮੱਝ। ਆਹ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਲਿਆਓ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਤਰੰਗਲੇ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਠੇਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦੀ, ਅਭੀ ਇਹ ਖਾਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਜੀ ਪਾਤੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਨਕੋ ਡਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਈ ਥੀ ਨਾ ਮੈਨੇ, ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਹਮ ਲੋਕ, ਇਹ ਫਿਰ ਐਸੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਡਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਦੇਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਖਾਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗਏ ਔਰ ਬਹਿਨ ਸੇ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਛੋਟਾ ਡੋਗੀ ਜਿਸੇ ਹਮ ਲੋਕ ਬਾਂਧ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛੋੜੇਂਗੇ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਦਾਣਾ ਡਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਇਸ ਟੋਕਰੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਭ ਵਿਊਅਰ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਮਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੇ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ। ਮਾਈਕ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਆਜ ਇਸੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਸੀਨ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਯੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁਝੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਆ ਲੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪੁਰਜਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਹਮੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੇ, ਓਏ ਓਏ ਹੋਏ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਓਏ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਓ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੀ ਜੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਣਾ, ਓਏ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਛੱਡੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਧਰੋਂ ਕਨੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਧਰ ਇਹਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇਗੀ, ਬਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਭੈਣ ਬਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਈਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬੁੱਝੋ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ, ਇਰਮ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਈਕ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਇਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵਲੋਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵਾਇਰਲੈਸ ਵਾਲੀ ਬਲੂਟੁੱਥ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਤਰਫ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਦਲ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਲ ਗਰਜਨੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰਫ ਸੇ, ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੇ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਭੀ ਯੇ ਮੈਂ ਰੂਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੂੰ ਔਰ ਇਸ ਮਾਈਕ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਹੂੰ, ਅਭੀ ਅੰਧੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਹਾਂ ਮੈਂ ਔਨ ਕਰ ਲੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਫਲੈਸ਼, ਤੋ ਇਸ ਮਾਈਕ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਹੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਨੇ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਯੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਸਾ ਲਗਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ।
क्या सीन बनता है। हाँ जी, अभी मैं आ गया हूँ बरामदे से भी बाहर, और देखते हैं इसका टेस्ट वॉइस कैसी है इसकी वॉइस। तो मैं बरामदे से बाहर गया था और अभी इसकी वॉइस चेक करते हैं कैसा रिजल्ट है। फर्स्ट टाइम इसकी हम लोग टेस्ट इसका करने लगे हैं। इस माइक को लगाते हैं यहाँ, और वो सामने भाभी मैं वही रोटियाँ बना रही हैं, वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके बात करते हैं और देखते हैं कि इस माइक की वॉइस कैसी है। हाँ जी भाभी जी, पक गई रोटियाँ? बस रह गई हैं, तीन चार रह गई हैं। जल्दी जल्दी पका लो, इधर बदल आ गया। अच्छा जी, माइक का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तकरीबन मैं मोबाइल जिधर मैंने ट्राईपॉड पे लगा के मैं इधर आया हूँ भाभी महेश के पास, यहाँ तकरीबन जी इसके वॉइस क्वालिटी चेक कर रहे हैं। तकरीबन मैं 40 फीट दूरी पे खड़ा हूँ। हाँ जी, अच्छा जी, मैं अभी यहाँ तकरीबन 40 फीट दूरी पे खड़ा था और बिल्कुल नॉर्मली मैंने बात की है, ज़्यादा लाउडली कह लें या ऊंचा कह लें वो मैंने नहीं बात की, बिल्कुल सुकून के साथ मैंने बात की है। अभी यहाँ मैंने रखा हुआ था चारपाई पे मोबाइल, वहाँ सामने वो भाभी जी रोटियाँ बना रही हैं, वहाँ था मैं। हाँ जी, ये किन्ने दिन भाभी जी रहने? ओ यार नहीं, मतलब मैं रात मैं भाभी ने कहा सी नीचे कर लो बिशक पैर रहन, ये उत्ते मैं रात नू अक्सर आके पैंदा ना। अम्मी जी ठंड हुंदी है ना, नींद आवे ते बंदा ओ बाज दफा इहदे च लगदा, जां बाज दफा ये कमरा खुला होवे ना ते बिल्ली भी आंदी, ओ जिहड़ी ओ चिट्टी थोड़ी मोटी बिल्ली आ, ते ओने आ सारे भन देने आ, इत्थे पई रहिंदा, कोई नहीं जांदी, किते नहीं जांदी, पई रहिंदा इत्थे। अच्छा जी ना गल ना कोई बात, अपनी सेफ च अपने पेट च नहीं रखिया, मेरे जिते सारे डाक्यूमेंट्स पे है ना अम्मी जी, जिते सारे मेरे डाक्यूमेंट्स पे, शुक्र है मैं अपने मेरे को भी पे ना एवं एवं की चीज़ पई आ, मतलब वो प्लेटा तो दूसरे आ डाक्यूमेंट्स वगैरह, शुक्र है मैं उस मुताबिक निकाल लिया, तो मैं बाद जो मैं देखिया मैं शुक्र टुट नहीं गई, बच गया सच जो टुट जाता, तो भाई मैं ने मैंने पूरे 3 साल ताने देने से। कपड़ा शपड़ा भी मारिया करो। अच्छा जी, साड़ी बहस चलती रहेगी, तो इस ब्लॉग का सीथी एंड कर दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, ओके अल्लाह हाफिज़, भाई मैं विश्व लड़न लग पैना नहीं था।